वीडियोस जो है ना मैंने बना ली है, तो मैं यहाँ पे शेप्स बनाने लगी थी, इसकी मैंने पोरिंग करनी है क्योंकि आज मेरे पास टाइम जो है ना वो शॉर्ट है, और पता नहीं लगा वीडियोस बनाते बनाते कि टाइम जो है ना वो कैसे गुजर गया। हालांकि मैं आई भी टाइम पे थी, तो अभी जो है ना मैं अभी मैं इसके अंदर जो है वो करूँगी पोरिंग, ताकि मैं इसकी जो है ना वो चम्स निकाल सकूँ, क्योंकि शेप्स निकालने बैठूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। साथ साथ मैं इसकी शिफ्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि बारिशों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ये चारकोल के पीसेस ऐड हो गए हैं, तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो साथ साथ तभी मैं ऐसे कर रही होती हूँ, वो पार्ट्स मैं कट कर देती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं शो होते लेकिन मैं जो है ना वो इस तरह कर रही होती हूँ, ताकि मेरे टेक्सचर जो है ना साफ़ सुथरे हो जाए। टाइम निकलता जा रहा है, समझ में आ रही कि मैंने तीन टेक्सचर्स के ये कैसे शेप्स तो आज नहीं बना पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि तीनों को जो है ना इस तरह टब्स में डाल के रख जाती हूँ, और कल आके इनके टब्स निकाल लूँगी जो कि इजी रहेगा। आई भी मैं टाइम पे थी, लेकिन आज टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं है, पता ही नहीं चला वो टाइम गुजर गया। दिन में आस्ते आस्ते छोटे होते जा रहे हैं, मैंने सोचा ये सेटिस्फाइंग पार्ट है, तो ये मैंने ऐड कर देती हूँ ब्लॉग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लॉग्स के अंदर भी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, और एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मुझे लगता है कि ब्लॉग जो है ना उसमें भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं, कभी क्रम्बलिंग ऐड करके, कभी कुछ ऐड करके, तो काम करते हुए इस तरह हर दफ़ा रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, क्योंकि काम काफ़ी हद तक हो जाते थे, इसलिए कभी कभी फिर मैं कर रहती हूँ एक व्लॉग को दो दो तीन तीन पार्ट्स में करके रिकॉर्ड, फिर मैं अपलोड करती हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी शायद और डालना पड़े, डालना ही पड़ेगा तभी के लिए आके ना ये चंक्स सेट होंगे।
टाइम पे आई थी लेकिन आप एकदम से अंधेरा हो गया, समझ नहीं आ रही कि टाइम जाना किधर गया। सिर्फ 3 वीडियोज मैंने बनाई हैं, पहले मैं 4 वीडियोज भी बना लेती हूँ, साथ में मैं लेक्चर्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ 3-4 कभी कभी, लेकिन आज है ना बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। एक तो हो गया, चलो जी।